हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरी नागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि सफ़ेद पानी की जो बीमारी है यानी कि ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज, वो स्त्री के लिए बहुत ही घातक है। तो इसके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं चार घरेलू उपचार। तो इस चार घरेलू उपचार के द्वारा जो आपकी बीमारी है कुछ हद तक सही हो जाएगी। तो देखिए, मैं सीधा और सटीक इलाज बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो उपाय है वो है चावल। तो इस प्रकार के घरेलू उपचार में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 ग्राम चावल लेंगे। वो 10 ग्राम चावल को किसी भी बर्तन के अंदर डाल देंगे और उसमें करीबन 8 से 10 गुना पानी डाल देंगे, यानी कि आप 100 ml पानी उसमें डाल सकते हैं। और इस चावल को आप उस पानी के अंदर 3 घंटे तक भिगोकर रखें। उसको भिगोने के बाद में आप क्या करें, उस पानी में जो चावल है उसको थोड़ा सा धो लें, और धोने के बाद में उस चावल को छान लें, और छानने के बाद में जो पानी निकलता है उस चावल का, उस चावल के पानी को आप करीबन एक एक घूट करके दिन में करीबन 2-3 बार पिएं। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, चावल को उबाल लें, और उबालने के बाद में जो चावल का स्टार्च बच सकता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी सफ़ेद पानी की समस्या को रोकने के लिए बहुत ही कारगर उपाय हैं। अगला उपाय है आंवला पाउडर, यानी कि जो सूखे आंवला होते हैं उस सूखे आंवले का आप पाउडर बना लें, और करीबन 2 चम्मच आंवले का पाउडर लें, और उसमें उतने ही मात्रा में शहद का इस्तेमाल करें। दोनों को अच्छे से मिला लें और उसका पेस्ट तैयार कर लें। तो प्रभावी उपचार पाने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं, और बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको इसका प्राकृतिक रूप से सेवन करना होगा, यानी कि इसमें आपको किसी भी प्रकार की चीज़ ऐड नहीं करनी है। अगर आप किसी प्रकार की चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो इसका जो प्रभाव होगा बहुत ही अच्छा होगा, और इस पेस्ट का आप करीबन दिन में 2 बार सेवन जरूर करें। अगला उपाय है अमरूद, बरगद और जामुन के पेड़ की छाल। तो इस प्रकार के उपाय में आपको क्या करना है, करीबन 3.5 ग्राम अमरूद की छाल, 3.5 ग्राम बरगद की छाल और 3.5 ग्राम ब्लैकबेरी यानी कि जामुन की छाल आप बराबर मात्रा में ले लें, यानी कि टोटल मिलाकर 10 ग्राम होना चाहिए। अब इस छाल को क्या करना है, आपको करीबन एक तपेले में 4 कप पानी ले लें, और उस 4 कप पानी में ये तीनों जो छाल है, 10 ग्राम की जो छाल है उसमें डाल लें, और उसको अच्छे से उबालें, और तब तक उबालें जब तक वो 4 कप पानी 1 कप पानी न रह जाए, और उसको उसके बाद में छान लें, और छानने के बाद में इसका करीबन दिन में 2 बार सेवन जरूर करें। तो इससे क्या होगा, सफ़ेद पानी की समस्या कुछ हद तक सही हो जाए। अगर इस प्रकार के घरेलू उपचार नहीं अपनाने हैं तो उस अवस्था में एलोईसेन टेबलेट्स आती हैं, तो महिलाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और कुछ हद तक इस समस्या से निजात पा सकती हैं। उसके अलावा और भी उपाय हैं, जैसे कि फेमिसिन सिद्धा ऑयल, तो इस प्रकार के ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आप कॉटन लीजिए और कॉटन को इस ऑयल में डिप कर लीजिए, भिगो लीजिए अच्छे से, और उस भिगे हुए कॉटन को योनि द्वार यानी कि वेजाइना के अंदर रात को रख कर सो जाइए। तो इससे भी इस प्रकार की जो समस्या है कुछ हद तक सही हो जाएगी। अगला उपाय आता है शक्ति धूप। तो इस धूप को धूपदानी में रख लीजिए, और उसके ऊपर कुर्सी लगाकर बैठ जाइए और इसकी धूप लीजिए, तो इससे भी कुछ हद तक ये समस्या ठीक हो जाएगी। ये सारे उपाय जब भी करते हैं तो योनि द्वार से जो सफ़ेद पानी है वो सूखने लगता है, और जब भी सूखता है तो आसपास वहाँ पर स्क्रैच हो सकता है। तो इस प्रकार की अवस्था में क्या कर सकते हैं, जो फिटकरी आती है उसका आप पाउडर कुछ पानी में मिला लीजिए, और जब भी नहाते हैं तो उस समय योनि द्वार को अच्छे से उस पानी के द्वारा धोइए। तो इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, और सफ़ेद पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।